अगर आप कथा में जा रहे हो, आप कथा श्रवण करने बैठ रहे हो, आप टीवी चैनल के सामने भी बैठकर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर भी अगर कथा का श्रवण कर रहे हो, और जिस भाव से आप कथा करवा रहे हो, सुन रहे हो, ये तुम्हारी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि कोई अगर निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो हमको कथा में पहुंचने का मौका दे रहा है। अगर ज्यादा पाप बड़ा होता तो टीवी खोलने के बाद भी लाइट चली गई होती। अगर पाप ज्यादा बड़ा होता तो कथा के पंडाल तक हम नहीं पहुंच पाते, शंकर की कथा को हम नहीं सुन पाते, नाम जाप नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते। भला हो उसका जिन्होंने हमारी निंदा करी तो हम कथा में पहुंचे, भला हो। तू क्यों चिंता, चंचुला अभी भी कह रही है, अब मेरे को लोगों ने खूब अपशब्द, कई कई माताओं की आदत रहती, बात पकड़ के बड़े, मेरे को तो सबने धोखा दिया, सब एक भी अच्छा नहीं मिला, मैं संसार में मरी तो जिंदगी बेकार हो गई, हमारे जीवन में दुख ही दुख लिखा था, घर पे थे तब भी दुखी थे, हमारी मम्मी हमको झारा से मारती थी, शादी हो गई घरे आ गए ब्याह करके पति के लात भूसे खा रहे पी के आए खूब गालियां दी, छोरा छोरी भी ऐसे पैदा हुए, हमारा सम्मान निकल में पूरी जिंदगी ऐसी इतनी रो रो के बोल पूरी जीवन ऐसा, तब ऐसा बोले तो हमारे भी कहने, तूने काय को खाया, जब पति जूता मार रहा था डंडे मार रहा था तुझसे नहीं कुछ बोलता नहीं बना, कुछ मत करती, माला लेके बैठ जाती, बस बाल खोल के इतनी बड़ी तिलक लगा के और ऐसी आंख फाड़ के देखती, बस एक ही तो काम करना था, बोल गलत है, बस वो जब डंडा लेके आ गया, बस उत्ता में तेरे को मार दे तो गारंटी है, तू बैठ तो सही है, की बात बापड़ा नहीं सो जाए बिना रोटी का तो गारंटी मारी, बिना रोटी का नहीं सोए तो गारंटी, और छोरा छोरी थारे ऊपर हावी हो तू नहीं बन जाए, भजन में लिखा है आरती में, तेरे भक्त जनन पर माता बीड़ पड़ी है भाड़ी, और दानव दल पे टूट पड़ी माँ, वो कैसे चढ़ जाए एक आध बार लात धर के जीवान का, बस पटक नीचे लात धर दे छाती पर निकाल ले जीवान का, वो बाल खोल के भयंकर बड़ी बिंदी लगा के फिर देख कहीं का छोरा छोरी कभी जिंदगी में थारे को सता दे, अरे एक शिव पुराण है।